हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं किस तरह से इसमें एम्ब्रॉयडरी दिया गया है। तो इसमें दो पीस इस तरह से फैब्रिक दिया गया है। मेन फैब्रिक ब्लाउज का है अस्तर। और हम लोग अगर बिना एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी होती है, यानी कि हम अस्तर की कटिंग पहले करते हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक कटिंग करते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। एम्ब्रॉयडरी वाले पीस में हमें सबसे पहले मेन फैब्रिक की कटिंग करनी रहती है, क्योंकि इसमें जो एम्ब्रॉयडरी दिया होता है उसके हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो चलिए पहले इसको हम आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक पीस दिखाते हैं। इसमें कुछ इस तरह से गला दिया है, इस तरह से लंबा नेक दिया है और ये स्लीव के लिए दिया है। तो ये हो गया एक पार्ट। अभी हम आपको दूसरा भी दिखाते हैं। तो इसमें देखिए, इधर से एक स्लीव इस पार्ट में दिया है, एक स्लीव इस पार्ट में दिया है, इधर नेक दिया है। तो अब हमें इसको कैसे कटिंग करना है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, इसमें हमारा गला लंबा दिया है तो इसको हम बैक साइड में रखेंगे, और इस वाले पार्ट में गला छोटा दिया है तो इसको हम फ्रंट साइड में रखेंगे। और सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसको हमें इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरह से हम बराबर कर लेंगे और यहाँ पे पिन लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा दोनों कपड़ा बराबर रहेगा। अब हम माप लेंगे गले की लंबाई चौड़ाई। तो देखिए, गले की चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच दिया है और इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई लगभग 7 इंच पे दिया है। तो इसका गला फ्रंट ओपन के लिए बराबर है। फ्रंट से हमारा गला छोटा होता है तो हमें इसमें बैक साइड से हुक या चेन लगाना पड़ता है, या फिर बैक साइड में हमें ओपन रखना पड़ता है। तो इसमें तो हमारा गला बराबर है, इसलिए हम फ्रंट ओपन इसको रख सकते हैं, यानी फ्रंट से हमारा हुक हाई रहेगा। तो इसमें हम ऐसे ही कटिंग करने वाले हैं। तो अब हम इसकी लंबाई भी देख लेते हैं। इसमें रेडी लंबाई हमें 14.5 इंच पे रखना है। तो क्योंकि ये फ्रंट साइड है तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 16.5 इंच पे आ रहा है यहाँ पे। तो लंबाई भी हमारी परफेक्ट इसमें आ जाएगी। तो अब हम ब्लाउज के माप के हिसाब से इसमें निशान लगा ले रहे हैं। देखिए, ये सारे निशान तो हमने लगा लिया है। अब हमें गले पे कैसा निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। नेक की चौड़ाई 3 इंच है तो यहाँ पे हम 1/2 इंच रख लेंगे, यानी गले को हम 2.5 इंच पे रखेंगे यहाँ से, और 1/2 इंच पे हमें निशान लगा लेना है यहाँ से यहाँ तक। और ये हमने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा निशान क्यों लगाया है, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा और ये अंदर हो जाएगा और हमारी एम्ब्रॉयडरी एकदम जस्ट सामने आ जाएगी, जिसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट साइड की निशान कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बैक साइड की कटिंग कर लेनी है। इसको भी हमें बीच से ही फोल्ड करना है इस तरह से।
और दोनों पीस को हमें बराबर रखना है। अब सबसे पहले इसकी हमें लंबाई देखनी है। तो देखिए ये बैक साइड का है और इसमें हमें 14.5 इंच रेडी लंबाई रखना है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, यानी कि 15.5 इंच लेंगे। अब इसके नेक में भी हमें उसी तरह से निशान लगाना है, यानी कि यहाँ पे 1/2 इंच हमें स्टिच के लिए छोड़ देना है और यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया, 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेना है। अब बाकी सभी निशाने हमें अपने साइज के हिसाब से लगा लेना है। तो देखिए बैक साइड का भी हमारा निशान रेडी हो गया है, अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये बैक साइड की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब इस तरह से हमें स्लीव्स के कपड़े को रख लेना है और ये दूसरा पार्ट भी इस पे हमें रख लेना है। दोनों को हमें बराबर रखना है। अब हमें इसको बीच से फोल्ड कर लेना है। स्लीव का निशान लगा लेंगे। स्लीव की हम लंबाई हमें रेडी रखनी है 11 इंच, तो 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम पूरा लेंगे, यानी जहाँ तक हमारा एम्ब्रॉयडरी है, इसके 1/2 इंच हम ऊपर से निशान लगाएंगे, इतना हमारा स्टिच में जाएगा। और इधर से हम अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये लिया हमने 12 इंच यहाँ से और यहाँ पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम सीधा कर लेंगे निशान को। अब यहाँ से आपको आर्म होल्स का रेडी निशान लगा लेना है और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से स्लीव का भी निशान रेडी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी पीस की कटिंग हो गई है। अब हमें इसको अस्तर पे रख के कटिंग करना है। अस्तर को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। इस तरह से अच्छे से रखने के बाद इसको हमें कट करना है, लेकिन हमें नेक पे अभी कटिंग नहीं करनी है, बाकी इधर से हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें फ्रंट साइड की भी कटिंग कर लेना है। नेक को हमें कट नहीं करना है, बाकी साइड से हम उसको कट कर लेंगे। और इसको हमें इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस पीस को हमें उल्टा रखना है। देखिए इस जो हमने यहाँ 1/2 इंच छोड़ा था, इस पे हमें इसको स्टिच कर लेना है और स्टिच करने के बाद इसको हम पलट लेंगे। तो फ्रंट साइड की भी हमने कटिंग कर ली है। अब नेक को हमें स्टिच करने के बाद ही कटिंग करना है, जैसा कि हमने बैक साइड में बताया था। उसी तरह से इस पे भी हमें अस्तर को रख लेना है और यहाँ से स्टिच करने के बाद उसको पलट लेना है। तो अब रह गया हमारा स्लीव, और स्लीव की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव को हमने कट कर लिया इस तरह। तो देखिए इस तरह से हमारी सभी कटिंग कंप्लीट हो गई है और इसको स्टिच करना भी इतना ही आसान है। हमने आपको बताया भी किस तरह से स्टिच करना है।
तो देखिए इसको हमें इस तरह से रख लेना है और इस तरह से हमें उल्टा ही पीस रखना है। देखिए उल्टा रखने के बाद हमें यहाँ से इसको स्टिच करना है एकदम, ये हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है उसके पास से ही हमें इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से स्टिच करने के बाद हम इसको कट करेंगे और इसको पलट लेंगे। इसी तरह से हमें सभी पार्ट को स्टिच करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।